भरतपुर के अमोली टोल प्लाजा पर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों द्वारा रोडवेज बस में पुलिस कस्टडी में कुलदीप जगीना की गोलियों से भूनकर हत्या करने के मामले में भरतपुर पुलिस ने 4 बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा है, जिनमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगने से भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस ने दोनों बदमाशों को धौलपुर अस्पताल भर्ती करवाया है, जिसके बाद अस्पताल छावनी के रूप में तब्दील हो गया। भरतपुर में जो इंसिडेंट हुआ है उसके 2 मुलजिमों को धौलपुर शिफ्ट किया गया है उपचार के लिए, और सुरक्षा की दृष्टि से अभी यहाँ पे सुरक्षा गार्ड लगा ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सर, गन शॉट है क्या दोनों के? हाँ, प्राइम में यही बता रहे हैं।